कितना दूर है, देख सकते हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उधर रण कक्ष। अरे बाप रे, इतना दूर तक तो कोई आया नहीं लगता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, हेलो नमस्ते, जय जवाहर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग रुके हैं, अमरापुर करके विलेज है ढोलावीरा के पहले पहले, इनके घर रात रुके थे कल शाम को आने के बाद। अभी बजे हैं 8:23 और हम लोग जा रहे हैं आज ढोलावीरा। वहाँ पे तीन जगह है स्पॉट्स देखने के लिए, एक तो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो ढोलावीरा में है, उसके बाद है वुड फॉसिल और थर्ड जगह है डेजर्ट। तो तीन जगह अपन विजिट करेंगे। निकालते हैं इसको, अभी गाड़ी में वार्म अप कर रहा था वो है इस्माइल दादाजी जिनके घर हम रुके थे अभी। ओके, जय श्री राम। बन गया विवेक, चलो अभी हम लोग जा रहे हैं ढोलावीरा। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और बाकी होगा। ये जो आसपास देख रहे हो वो पूरा डेजर्ट प्लेसेस है, ये जगह पूरा पानी खारा खारा रहता है। खेती भी होता होगा तो, लेकिन दूसरे चीज का खेती होता होगा यहाँ पे। और ये रोड पूरा लॉन्ग 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 स्ट्रेट है। तो ये जो खेत देख रहे हो इसमें होता है जीरे की खेती ना, लगभग 70% जीरे की खेती होती है यहाँ पे इन जगहों पे, मतलब यहाँ पे रणकक्ष में। बाहर से लोग भी आते हैं यहाँ पे खेती करने के लिए, अभी तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा आते थे। सो हे गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ढोलावीरा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे है जो एक्सक्वेटेड थे, मतलब जो खुदाई से प्राप्त हुए थे हड़प्पा संस्कृति से, उसका म्यूजियम है यहाँ पे पीछे देख सकते हो, इधर है। और इधर पूरा जो खुदाई से अवशेष जो प्राप्त हुए है वो सब चीज़ वहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ये है कि वहाँ पे फोटोग्राफी तो कर सकते हैं बट वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, तो मैं आपको आगे कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बट स्टिल मैं फ़ोटो दिखा सकता हूँ मोबाइल से जो कैप्चर करूँगा। तो ये भाई हैं फिरोज नरेजा, इनका भी यूट्यूब चैनल है। माय चैनल नेम इज वाइल्ड लाइफ इन खड़ीर। वाइल्ड लाइफ इन खड़ीर, यस, खड़ीर। ये चैनल है इनका, जाके आप देख सकते हो वीडियोस वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। अब हम जाने वाले हैं वारपन साइड है, वहां देखने। ठीक है, ओके बाय। यहाँ पे भी बहुत सारे राइडर्स आते हैं, यहाँ पे भी हिमालयन वाले आए हैं और बुलेट वाले। मेरा कैमरा थोड़ा गिर गया था अभी, लेकिन सही सलामत है। अभी हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए, जहाँ पे रिसोर्ट्स है वहीं पर रेस्टोरेंट है, इको टूरिज्म है गुजरात बोर्ड का, वहाँ पे खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। क्या है यार ये साला, हो क्या रहा है मेरे साथ आज? कैमरा गिर रहा है, गोप्रो गिर रहा है, कुत्ता उत्ता सामने आ जाता है। हम लोग अभी इस रिसोर्ट्स में आए हैं खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है रेस्टोरेंट में। यहाँ पे इको टूरिज्म का ये रिसोर्ट्स है, वहाँ पे तंबू बने हुए हैं, देखो काफ़ी कॉस्टली है, एक एक रूम 3-4 हज़ार है रेंट। तो ब्रेकफास्ट अभी पोहा और चाय का है। और यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, पूरा बांस से बना हुआ है, इसको देसी हट कहा जाता है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा काफ़ी कॉस्टली था लेकिन। 10 किलोमीटर डायनासोर का क्या अवशेष है यहाँ पे? अवशेष नहीं है, मतलब उसके टाइम्स के कुछ ब्रिज थे ना। ओके, डायनासोर के टाइम के। अच्छा, ये जो एरिया है पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पूरा कैप्चर कर लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि खुदाई से बहुत सारी चीज़ें अवशेष वगैरह मिला है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया ये है। और इधर BSF का भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब वहाँ पे नहीं जा सकते, BSF के जवान रहते हैं, उन लोग कैंप वगैरह है सीमा चौक की धोरानी बाट करके कुछ नाम है, वो लास्ट विलेज है इस गांव का। ढोलावीरा से भी आगे है ये, और आगे पूरा रण कक्ष आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है, एक भी विलेज नहीं है
पूरा रण है, वाइट डेजर्ट बोलते हैं जिसको। अगर ऐसा ऑफ रोड मिल जाता ना हिमालयन में करने के लिए तो मजा आ जाता। और ये पूरा भाई रण कक्ष जो दिख रहे हैं फॉसिल्स, डायनासोर्स के अवशेष फॉसिल्स बन चुके हैं अभी। ये उस टाइम का ट्री है, अभी पूरा फॉसिल बन चुका है डायनासोर्स के टाइम का। गाय बकरियों के लिए घास वगैरह लेने के लिए इधर जाती है, इसलिए यहाँ पे अलाउ है जाने के लिए, बाकी रिस्ट्रिक्टेड है ये अदर सिविलियन के लिए। चलो थोड़ा सा कर्तव्य दिखा दिए था इन लोग को। मुंह सूख रहा था जब से, पानी ले लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिजर्ट की तरफ, और ये थोड़ा सा ऑफ रोड करके जाना पड़ता है। अपन पाकिस्तान साइड नहीं है क्योंकि उधर अलाउ ही नहीं है बाइक, थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं इंडिया साइड वाले में। इधर काफ़ी राइडर्स आते हैं, इधर से ही जाते हैं सब, इधर राइडिंग कर रहे हैं तो डिजर्ट में, क्योंकि इंडिया साइड है तो अपन इंडिया साइड तो कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है इसलिए उधर बिल्कुल अलाउ नहीं है, और वहाँ पे गाड़ी उतरती भी नहीं है इधर से। तो रण ऑफ कक्ष में जाने के लिए, मतलब वाइट डेजर्ट में जाने के लिए गाड़ी उतरने के लिए जगह बना हुआ है, इसलिए इधर से जाते हैं सब लोग। फाइनली मैं यहाँ पर गाड़ी चलाऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पर रेतीला है स्टार्टिंग में, उसके बाद तो ठीक है आगे। ओए होए 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 होए, अजीब सा गाड़ी धस रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो पीछे कैसा दिख रहा है। ओ, 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 ओ। ये पूरा वाइट डेजर्ट में बाइक चला लिया डोमिनार में अपनी। Hey guys, what's up? So, मैं अभी आ गया हूँ रण ऑफ कक्ष में। अपनी गाड़ी को भी देखो यहाँ पे ले आया हूँ। इधर पूरा रण ऑफ कक्ष, दूर दूर तक पूरा दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ये पूरा देख रहे हो ये कैसा है, ये पूरा नमक का लेयर है देखो। ये पूरा नमक का लेयर है जो इस जमीन के ऊपर पूरा डेजर्ट के ऊपर जम गया है। कल रात को हम लोग आए थे तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भाई गिरना नहीं चाहिए बाइक, फोटो वोटो ले रहे हैं लोग बाइक में भाई लोग। वैसे बाइक चला सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये ऊपर नीचे ऐसे लेयर जमा हुआ है ना, देख सकते हो। जैसे गाड़ी का टायर आता तो टूटने का आ जाता, तो मेन इसी में बस दिक्कत हो रहा था।
तो गाड़ी वाड़ी चला ली, फुल फोटो वोटो खींच लिए, सिनेमेटिक शॉट बना लिए एकदम। बहुत ज़्यादा धूप हो गया, लगभग 1:30 बजने वाले हैं अभी यहाँ पे, तो अभी मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। तो चलो चलते हैं, आज हमको रिटर्न अहमदाबाद जाना है तो टाइम लग जाएगा। गाड़ी पकड़ने के लिए धन्यवाद और बेस्ट पिलियन ऑफ माई राइड विवेक साहू वी व्लॉग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। क्या? हाँ, कीचड़ है सर पूरा अंदर। हाँ।